हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीनियस में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पुलिस विभाग में कितनी छुट्टी होती हैं और किस किस प्रकार से छुट्टियां होती हैं। तो हम आज सभी छुट्टियों के बारे में बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं CL यानी कि आकस्मिक अवकाश, इसे हिंदी में बोला जाता है। ये अवकाश आपका पूरी एक साल में 30 दिन का होता है। इसे आप एक साल में कभी भी इसे ले सकते हैं। ये आपको आकस्मिक परिस्थितियों में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों, और इसे आपको एक साल में काटना होता है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इस एक साल में इसको नहीं काट पाए 30 दिन की छुट्टी को, तो ये अगले साल आपका ख़त्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं EL, ये होता है अर्जित अवकाश, ठीक है दोस्तों। ये अवकाश आपको 31 दिन का होता है पूरी साल में, और इसे आपको पूरी साल में काटो या नहीं काटो, ये आपके ऊपर होता है, क्योंकि ये अगले साल को जुड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आकस्मिक अवकाश की तरह ख़त्म नहीं होता, ये आपका अगले साल जुड़ जाता है। और इसी प्रकार से 300 दिन तक यदि आप इसे जोड़ लेते हो, तो 300 दिन का आपका रिटायर के बाद पैसा मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। और 300 दिन से ज़्यादा जोड़ोगे तो वो ख़त्म हो जाती है, तो 300 दिन ही इसका मान्य है। तो ये आपका जो आपको छुट्टी मिलती है, ये आपको शादी में, विवाह में, और शादी ब्याह में, अपने भाई बहन की शादी, खुद की शादी, घर बनाने, माता पिता की बीमारी आदि में ये आपको छुट्टियाँ मिल जाती हैं। ये छुट्टियाँ अधिकतम 45 दिन तक आपको एक साथ मिल जाती हैं, और न्यून कम से कम ये आपको 15 दिन तक एक साथ मिलती हैं, उससे कम छुट्टी नहीं मिल पाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं EL के बारे में। अब बात करते हैं ML, ये होता है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव पूरी सर्विस में 180 दिन का होता है, ये आपको आपकी खुद की बीमारी में ही मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मातृत्व अवकाश, ये अवकाश महिलाओं के लिए होता है। जब महिलाओं के लिए, ये एक बच्चे के लिए 180 दिन और दूसरे बच्चे के लिए भी 180 दिन का अवकाश मिलता है, और ये सिर्फ दो ही बच्चों के लिए मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये दो बच्चों तक ही लागू है, ये महिलाओं के लिए होता है। अब बात करते हैं रिवार्ड रिलीव। ये रिवार्ड रिलीव आपको अच्छे ड्यूटी पर यानी 26 जनवरी परेड के अनुसार या कमेटी में और आपके खेलों में ये आपको मिलता है। ये आपको अधिकारियों द्वारा रिवार्ड में मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये 3 से 10 दिन तक मिल जाता है, और ये आपके जो आपका आकस्मिक अवकाश होता है यानी कि CL, उससे ये कटता नहीं है, ये आपको रिवार्ड ही में मिलता है। ये आपका पुलिस विभाग में एक्स्ट्रा छुट्टी मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं परमिशन, ये अनुमति अवकाश होता है। ये अवकाश 23 घंटे के लिए दिया जा सकता है। ये अवकाश अधिकारियों द्वारा यदि चाहें तो आपको 23 घंटे का अवकाश दे सकते हैं। ये छुट्टी बंद होने के दौरान आपको मिलने की संभावना होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण अवकाश जो आपको जानने जरूरी थे, और हमने आपको अच्छी तरह से बता दिए, समझा दिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।